जानी आई जा मारे ली जा तो हम लोग के क्या क्या बनता है जी पिठौरी रोटी खिचड़ी भात चावल अच्छा फल वल फल मिलता है और दूध एक तो केरा मिलता है अच्छा दूध नहीं मिलता है सही बोल रहा है क्या क्या मिलता है फल और ये कुछ अरे रोटी दाल भात अच्छा पिठौरी अच्छा खीर मिलता है कि नहीं जी खीर नहीं मिलता है कभी नहीं ये तुम बता रहा था कि मिलता है नहीं मिलता है जो कोई तो के साफ करी के ओके लिपि पोती के बनाई सरकार इतना भूत अटे आवत वोट पर त खड़ा होता के घिच के लेके तेरा गो जाता आवत और यो कर बात के उन काम बाटे लइका पढ़त न स जमार लोग लेके गंदगी में पड़ी न स बुनियार हम स एक नंबर चलिए आप लोगों को डर नहीं लगता है कहा है दादी डरना लगे आप लोगों के घर का बच्चा यहाँ पड़े इस गांव में पहुंचने के बाद जनता इतना खुश हो गई है कि हमारे गांव में मीडिया वाला आया है आखिर मैटर क्या है हम आपको यह भी बताएंगे कि मीडिया को देखकर इस गांव के लोग खुश क्यों हो गए और छोटे छोटे बच्चे भी खुश हो गए कि हमारे गांव में मीडिया आई है हमारे गांव में मीडिया आई है हल्ला हो रहा है आखिर मामला क्या है पूरा मामला को हम विस्तार से बताएंगे मामला है कहां का यही आपको हम बताएंगे प्राथमिक विद्यालय रायपुर क्षेत्र मोहम्मदाबाद लिखा हुआ है कि हमारा विद्यालय सुंदर विद्यालय साफ साफ लिखा हुआ है बगल में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है मोदी जी का नारा है कि स्वच्छ अभियान आप देख सकते हैं स्वच्छ अभियान का ये नज़ारा है विद्या का मंदिर है आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ लोग उत्साहित होकर विद्यालय के मंदिर में लोग कचरा उठा रहे हैं विद्यालय का जब ये हाल रहेगा तो आम जगहों का क्या हाल होगा मैंने कई बार इस वीडियो में बताया है आप देख सकते हैं इधर जनता और उधर बगल में माताएं बहने हैं बैठ कर अपना धूप का आनंद ले रहे हैं बच्चों से बात करूंगा बच्चों को क्या क्या परेशानियां होती है भैया आप लोग जलकुंभी क्यों हटा रहे हैं ऐसा क्या परिस्थिति आई कि जलकुंभी आप लोगों को हटाना पड़ रहा है नाम प्लीज कर थोड़ा बताए नाम क्या पड़ेगा पहले आप परिचय दे दीजिए हमारा राजू राम नाम है जी अपनी आवाज़ बढ़ा और हम लोग स्कूल का जलकुंभी साफ कर रहे हैं जी कि हर साल इसी तरह से साफ करते हैं बरसात आने पर इसमें वो दागी है 3 फुट तक ले पानी लग जाता है जी और हम लोग साफ कर रहे हैं इसको और यहाँ जो सरकार है चाहे जो यहाँ का व्यक्तिगत आदमी है जी हमारे गाँव का प्रधान चाहे जो भी कोई इसको साफ नहीं कराते हैं हम लोग साफ करते हैं और एक बात बताइए किस इंजीनियर ने ऐसा नींव डाला किस इंजीनियर ने इतना छोटा और गढ़ही में उनको पता होना चाहिए घर आदमी अगर बनवाता है तो लिंटर करता है कि ऊपर दूर तक पानी का वो नहीं होगा बेस उसका बनाता है लेकिन हमारे तो देखने के हिसाब से लग रहा है कि कोई बेसे नहीं है एकदम नज़दीक है और देखने के हिसाब से लग रहा है कि ईटा भी वही हाल है अगर जाँच कर दी जाए आप देख सकते हैं बगल में जर्जर हो रहा है और टूट भी रहा है और मैं अंदर भी चलूंगा और बच्चे खेल भी रहे हैं शायद हो सके कि इसी स्कूल में पढ़ते भी होंगे इस स्कूल की स्थिति क्या है भैया इस स्कूल जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी उस स्कूल का छत दबा हुआ है नीचे के तरफ और बरसात में चूता भी है और नीचे इस समय टाइल्स वाइल्स लग गया है ऊपर छत बेकार है और नीचे टाइल्स लग गया क्या फ़ायदा टाइल्स लगने से छत गिर जाएगा अभी लड़का दबा कर मर जाएंगे छत कभी भी गिर सकता है हालांकि ताला मारा हुआ है ना तो मैं उसे भी दिखाने का प्रयास करता जी लेकिन यहाँ से देखने के बाद कुछ जर्जर लग रहा है और सबसे पहले दुख की बात तो ये है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि बच्चे आएंगे कोरोना महामारी भी चल रही है तो ऑटोमेटिक कोरोना का डर भी रहेगा जी और कोरोना रफ्तार अपना बढ़ा ही रहा है दिन पे दिन और यही हाल होगी तो बच्चों का क्या होगा आप देख सकते हैं बच्चे इसी में पढ़ते हैं क्या आप देख सकते हैं तो मैं स्कूल के बच्चों से मिलवा रहा हूँ और जानता हूँ कि इन लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है बाबू तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा क्या पढ़ते हो जी पाँच में पढ़ते हो अच्छा ये बताओ जी बाल क्यों नहीं कटवाए हो बाल कटवाना चाहिए ना
काहे नहीं कटवाए होगी? बाल कटवाना है, ब्रश भी करना है और साफ सफाई का भी ध्यान देना है, पता बा ना? करोना वाला बा आई है ना, पढ़ेला उ भागा तो पढ़े का पढ़ाई चला था कि ना? इस समय ना अच्छा चला। कब ले चली? 24 दिन के बाद। काहे स्कूल बंद बा? ठंडा से बंद बा। ई बतावा तो हर मैडम जी तो के मारे ली मैडम जी है जा तुम्हारे स्कूल में? हां बे जानी है जा मारे ली जा तो हम लोग के काहे मारे ली जाओ? याद नहीं रहता है तो मैडम जी मारती भी हैं। ठीक है, मारना नहीं है या उनको प्यार से समझाना है बच्चों को। बाबू तुम्हारा क्या नाम है जी? उसने नहीं कहा। अच्छा तुम लोग स्कूल में खाना भी बनता है क्या जी? अच्छा क्या क्या बनता है जी? पिठौरी, रोटी, खिचड़ी, भात चावल। भात चावल। अच्छा ये बताओ तुम लोग स्कूल में खीर और बनता है कि नहीं जी? कभी सही बोलो, झूठ बोल रहे हो? वो तो बता रहा था वो कि बनता है। नहीं बनता है? अच्छा फल वल फल मिलता है? और दूध? एक तो केरा मिलता है। अच्छा दूध नहीं मिलता है? अच्छा एक बात बताओ जी, यहाँ पे तो इतना जुलकुम भी है, तुम लोगों को डर नहीं लगता आने जाने में? अच्छा हर बार ऐसे ही होता है? अच्छा डर लगता है। जुलकुम भी कहाँ तक था? पूरा ज़्यादा था। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? क्या पढ़ते हो? ये झूठ बोल रहा है ना, स्कूल में सब व्यवस्था मिलता है, ये झूठ बोल रहा है ना? नहीं। सही बोल रहा है? हाँ। क्या क्या मिलता है? बॉल। और अरे रोटी, दाल, भात। अच्छा पिठौरी। अच्छा खीर मिलता है कि नहीं जी? खीर नहीं मिलता है? कभी नहीं? ये तुम बता रहा था कि मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा चलिए ठीक है, बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे जो भी होते हैं सही होते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं। देखा आपने, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मैं किसी को उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बोलो। ये आने के बाद बेहद दुखद घटना है कि विद्या का मंदिर का ये हाल है। जो भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनके भी संज्ञान में आता है, इस स्कूल को इतना स्वर्ग बनवा दीजिए कि यहाँ की जनता खुश हो जाए। तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये है विद्या का मंदिर और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोरोना अपना रफ्तार कम नहीं कर रहा है, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आप देख सकते हैं जब स्कूल का यह हाल रहेगा, यहाँ एक मिनट रुकने का मन नहीं कर रहा है, इतनी बू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए बगल में भी दिखाऊंगा यहाँ बच्चे रहते कैसे होंगे, सवाल उठेगा, सवाल तो उठेगा ही। और चलिए यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, मैं उनसे भी कभी मिलूंगा तो इस मुद्दे को उठाऊंगा और इस मुद्दे को लेकर होगी उनसे बातें। चलिए इधर स्कूल के पीछे दिखा देता हूँ, बगल में क्लासरूम है, ये बगल में क्लासरूम है, इधर आप देख सकते हैं क्लासरूम के हालात है, जरा देख लीजिए। इसमें पढ़ाई होती है या अंदर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसमें नहीं पढ़ाई होती? नहीं 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 होती है। चलिए ठीक है, इसमें पढ़ाई नहीं होती है। अब इधर रास्ता नहीं है सर, इधर स्कूल के पीछे का ये हाल है, अगर कोई जहरीला सांप चला जाए, छोटे बच्चों को काट ले और उनकी मौत हो जाए तो लोग अनशन करेंगे, लोग धरने पे बैठेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन भी परेशान होगी, उस समय आएगी शासन तो कहेगी कि हमें एक घंटे का मोहलत दीजिए, हमें मुआवजा दे देंगे, वो मुआवजा दे देंगे और ये मुआवजा करा देंगे, बच्चे के घर वालों को ये दे देंगे। साहब हुजूर, मुआवजा देने से क्या उसका परिवार नहीं आ जाएगा, उसके बच्चे नहीं आ जाएंगे? हुजूर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस स्कूल की ऐसी स्थिति देखकर बेहद क्वेश्चन उठता है, बहुत शर्म की बात है कि विद्या की मंदिर की हालात होगी तो आम जगहों का क्या हाल होगा। मैं हर वीडियो में यही बात बता रहा हूँ, हुजूर इस मामले को गंभीरता से लीजिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्कूल की हालात है और ये हाल है प्राथमिक विद्यालय, सुंदर विद्यालय आप लिखा हुआ है। हमारा विद्यालय कैसा है? सुंदर विद्यालय। और ये आप देख सकते हैं, उधर उधर तो इधर बगल में भी रूम है, बस रहने दीजिए। तो हो गया,
चलिए हम बात करते हैं, इनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इनसे बात ही कर लेते हैं, मिल ही गई है तो। एक बात बतावा, तुहार लड़का लोग में पढ़े लन तो हम लोग के डरना लगेला? डर कई लगी। अरे इतना गंदगी बा, इतना के साफ करी के लिपि पोती के बनाई सरकार, इतना भूत अटे आवत वोट पर घिच के लेके रहो जाता आवता जाता आवता। और यो कर बात के उनका बाटे लड़का पढ़त चमार लोग लेके गंदगी में पड़ी हम सब बुनिया रहो सर। चलिए आप लोगों को डर नहीं लगता है? कहे दादी डरना लगे ला जा, आप लोगों के घर का बच्चा यहाँ पड़े ना लेके पढ़ते।